सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। फिर से हम लोग आज खेलेंगे एक नया गेम, और मैंने आप लोगों को एक प्रॉमिस किया था कि हम लोग अभी एक एडवांस गेम्स भी खेलने लगेंगे। तो आज हम खेलने वाले हैं एक वैसा ही एक एडवांस गेम, और इससे पहले ही मैंने एडवांस गेम की वीडियोज़ डाली हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। आप मेरी और भी वीडियोज़ देख सकते हैं। मैंने पुराने नॉस्टैल्जिक गेम्स भी खेले हैं जो 90s के किड्स के गेम्स थे, और मैंने ये एडवांस गेम्स भी अब डालने शुरू किए हैं। तो आज हम खेलने वाले हैं राइड 5। ये एक बाइक रेसिंग गेम है, किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। राइड की एक पूरी सीरीज़ है, जैसे फोर्ज़ा होराइज़न की सीरीज़ आती है, वैसे ही राइड की भी एक प्रॉपर सीरीज चलती है। तो उसमें उसका एक सबसे लेटेस्ट वर्जन हम खेलने जा रहे हैं, राइड 5। इसमें क्या है कि इसमें एडवांस आपके पास रियलिस्टिक बाइक्स हैं सारी, जैसे हम लोगों के पास रियल लाइफ में बाइक्स रहती हैं वैसी सारी बाइक्स होंगी। आपको वो रेस करनी है, और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है उसका। मैंने पहले खेला हुआ है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा एक्सपीरियंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो व्हाट अबाउट लेट्स रोल। ये भी अनरियल इंजन में बना हुआ गेम है। अनरियल इंजन के बने हुए गेम्स तो आजकल वैसे भी बहुत रियलिस्टिक चल रहे हैं, ट्रेंडी अलग चल रहा है इस गेम्स का। सबसे पहले अनरियल इंजन का मैंने जो गेम खेला था वो गेम था टेकन। टेकन के बाद से इतने गेम बनने लग गए ना अनरियल इंजन में। पहले सारे गेम अलग अलग इंजन से बनते थे, बट अब क्या है कि अनरियल बहुत बड़ी चीज़ है। हम कंट्रोलर से ही खेलेंगे। कंट्रोलर मेरा ये वाला बहुत सही कंट्रोलर है यार। अरे नहीं चाहिए हमें, कैंसिल करो। ग्राफिक सेटिंग थोड़ी सी लो रखेंगे। यूएस इंग्लिश हिंदी में खेलें, हिंदी नहीं है क्या? It all starts days before. You're still home. You train. You prepare. You try not to think about it, and yet you think about it. ये क्या है? कटसीन चल रहे हैं इसमें तो। You get to know the place. It's always different, yet so familiar. All around the world, the tracks, the pits, busy people everywhere. You check the bike. Clean some specs off the windshield. The bike sits there, like you, in apparent idleness. Look at the like you, and inside, in urge you hit the road. इस तरह से बोलेगा ना तो वही हो गया काम। The noise, the smell you know so well, a mix of gasoline, exhaust, and rubber. Butterflies in your stomach. Butterflies in your stomach. A wave stomach. Stomach. Optimus Prime. It's timed. Rev it up. This place is amazing. Autopilot. A new racetrack, three variants, a sequence of corners, slopes, challenging bikes, all built from scratch in one of the most beautiful places in the world. And no expense spared. This is not a racetrack. This is a rider's dream. Let's play with this new toy. अरे भाई मेरे को दे दिया कंट्रोल, ऑटोपायलट ही चलने देता भाई। ओ भाई। अरे भैया कंट्रोल बहुत खतरनाक है भाई इस बाइक का। झुकरी है पूरी यार, ऐसी बाइक मत दिया करो भाई। ओ ये है मजेदार। तो अरे नहीं, कुछ नहीं दिख रहा भाई। यही सही है अपना कैमरा एंगल, वो तो कुछ भी नहीं दिख रहा उसमें तो। इतना भी तगड़ा राइडर नहीं हूं मैं। अब मरा भाई। सर पहले गियर में चला के ना ओवरहीट कर देंगे बाइक के इंजन को, लोड मार देते हैं बाइक के इंजन पर आज भाई। क्या बाइक है, पहले गियर में 150 जा रही है, और हमारी बाइक है टोटल 150 नहीं जाती। तो है भी तो BMW यार वो। इसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी मुझे गाइस, लेकिन अब ये ट्यूटोरियल तो हटेगा नहीं ना। इसमें यहां लेके चलते हैं इसे। यहाँ क्या है? अबे जाने तो देता है यार। इस वाले कैमरा एंगल में सही चल रही है भाई बाइक। Today's takeaways. Turn 1 looks easy. 240. Turn 3
3 calls for a late apex. 240 का गया भाई. Open throttle with better traction. The breaking point. समझ गया मैं तुम्हारी बात. Whoever designed this knows how to keep. ये एंगल तो इतना खतरनाक था ना भाई साहब. इस एंगल में तो ये देख रहे हो कैसे हिल रहा है उसका ब्रेक का वो ऑयल के लिए. भाई साहब मेरा ऐसा हो गया था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है. गया फर्स्ट पोजीशन सुजुकी, सेकंड पोजीशन यामाहा. यस यामाहा. A track day alone is one thing. The challenge is another. There is no such thing. जीतेंगे तो मैं नहीं, मुझे पता है ये चीज. टायर कैसे हैं लोग देखो. रेसिंग टायर्स. हेलमेट भी सालों ने 1,00,000 रुपए के लगा रखे हैं. सोचो ना क्या होगा ये. Races are not won at turn one. Don't push too hard. है BMW सबके पास. मुझे लग रहा है BMW वाला मॉड डाउनलोड हो गया हमारा गलती से. जब राइड राइड गेम ना BMW वाला डाउनलोड हो गया इसलिए सारी BMW दिख रही है, क्योंकि उन्होंने बोला था यामाहा होगी. यामाहा है ही नहीं. बट बाइक तो अच्छी है, कुछ भी है, हमें तो मजा आ रहा है ना खेलने में. और रिवेलेटर क्लेमेंटे. हाँ तू निकल जाएगा, मुझे पता है यार, मैं उस लेवल का प्रो नहीं हूं ना. निकल जा भाई, मैं आराम से आऊंगा, कोई बात नहीं, तू खेलता रहे. ऐसा एक गेम था मोटो जीपी, उसमें क्या होता था गाइस, इसमें तो राइड में तो खैर फिर भी ट्रैक के अलावा और भी जगह जा सकते हो. मोटो जीपी में तो क्या होता था कि मोटो जीपी तो ट्रैक पे चलाने वो गिरा, कितनी दूर गिरा जाके. यार इसमें चोट भी लगनी चाहिए तो मजा आएगा. हड्डी उड्डी टूटे, गर्दन वर्दन उड़ के कहीं और चली जाए इसकी बंदे की, इतनी इतना तगड़ा एक्सीडेंट हो रहा है. टायर भी खराब कर लिए मैंने. देखो अपने, देखोगे, देखना चाहोगे, मैं दिखाता हूँ. नहीं यार टायर इतने खराब नहीं हुए, अभी तो ठीक है. अरे ठीक है, मैं 16 सेकंड पीछे ही सही यार. हमें सीधी रोड भगाने मजा आता भाई, हमारे यहाँ पे ऐसे मुड़ी तुड़ी रोड नहीं होती. ये देख, ये देखो इसे बोलते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी. और वो बंदा तो पीछे आ गया मेरे, उसने तो आधी रेत से पार कर ली. साला गियर भी हमें डालने पड़ रहे हैं, तो क्या फायदा गेम का यार. ये तो ब्रेक भी हमें लगाने पड़ रहे हैं, ब्रेक भी हमें लगाने पड़ रहे हैं, गियर भी हमें डालने पड़ रहे हैं, तो क्या फायदा गेम का. ऑटो ब्रेकिंग होनी चाहिए इसमें प्रॉपर, तभी तो मजा आएगा. तो गाड़ी तो है नहीं भाई यार, मुझे ऐसा चाहिए गेम जिसमें ना टूटे. अबे ये ABS की सेटिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे. ट्रैक्शन कंट्रोल पावरफुल EB, ठीक है, ये सब तो ठीक है. पेट्रोल कितना है मेरे पास, अरे वो बंदा मेरे पीछे आ गया. वो मुझे लग रहा है वो तीसरे लैप पे आ जाएगा और मैं दूसरे पे रहूंगा. मेरा नहीं हो पाएगा पार, उधर निकल गया आगे. ब्रेक भी तो तगड़े तरीके से हिट करना पड़ता है हमें. अरे भाई साहब कैसे गोली की तरह गया ही बंदा, देख रहे हो तुम लोग आगे से, और हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे इसके सामने. कितनी खतरनाक तरीके से गोली की तरह जा रहा है, हमसे तो गियर ही चेंज नहीं हो रहा, तो गियर चेंज में रह गए भाई साहब. ये गेम नहीं है भाई हम जैसों के लिए. मैं फिर भी ना ये करूंगा, वीली मारेंगे एक. ये देख रहे हो वीली का मारी है उसने, अब चला रहा तमीज में बाइक. कोई बात नहीं, अच्छा यामाहा मिलनी थी भाई. हमें ऐसी बाइक दो भाई जो 100 से ऊपर ना जाती हो, तब ठीक है. 100 से ज़्यादा की बाइक हमें नहीं चाहिए,
कोई फायदा नहीं है 100 से ज्यादा की बाइक लेके जाने का। क्या हुआ? It all starts here. They say that for a real rider, racing is life. Anything before or after is just waiting. Well, it used to be. Truth is, to be a winner on the racetrack, you need to be prepared. The bike has to be perfect. You'll need to trust it, so सर ये बाइक मिली है मुझे, देख रहे हो इधर ऋतिक रोशन ने वहां से लाई थी कहो ना प्यारे मूवी में, जब वो वहां मिलता है उसे रोहित, जिसका आजकल मीम चल रहा है आरडीजे एज डॉक्टर डूम पेपर बोट वाला। भाई मुझे ना ये नहीं सुनना, इसे मैं इसे सबसे पहले स्किप करूंगा, इस नैरेटर को मैं ये हटाऊंगा। राइडर इन्फो, राइडर का नाम क्या रखें हम, राइडर का नाम रखेंगे हम थोड़ा डिफरेंट रखेंगे नाम यार, इसलिए मुझे ना कीबोर्ड उठाना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंट नाम होना चाहिए ना। है तो वो भी MSC लेकिन हम थोड़ा सा डिफरेंट नाम रखेंगे, हमारा अपना नंबर डालेंगे यार हम किसी और के नंबर के बैठे। अरे भाई हिंदुस्तानी हम, इटली विटली में नहीं रहते हम, इटली में हैं रहते हैं कुछ लोग बॉडी है नहीं भाई झोंडा है तो यार, ये नहीं है चाइनीज थोड़ी ना हमारा, शक्ल कैसी ऐसा लग रही है शक्ल, हाँ ये है लेकिन दाढ़ी चाहिए मुझे, बियर्ड का है। ओ भाई ऐसा लग रहा हूँ क्या मैं, देखना जरा, हाँ लग तो थोड़ा ऐसा सही आएगा ये, रॉकेट मैन आइस मैन द मास्टर। भी और अच्छा लग रहा था क्या होना, राइडर का गियर हेलमेट कौन सा है, शोई का हेलमेट है अपने पास, खरीद ही सकते हो हेलमेट, वाइजर चेंज कर सकते हैं क्या, पैसे लग सकते हैं, हाई ओपेसिटी स्मोक भी अच्छा है यार, ना पैसे ही नहीं है भाई मेरे पास इतने, मैं नहीं लगा रहा पैसे फालतू के, कपड़ों पर नहीं पैसे खर्च करने, मेरा बात है सही है जो भी है, जो है सही है, बंदा तो हमने फिट कर लिया। अब हमें क्या करना है, रेस सेटिंग्स में जाना है, इसे करना है, इसी पे जाना है, वेरी इजी, भाई कौन सी रेस खेलनी है हमें, चलिए यही खेलते हैं यार, क्या है अब हमारा सब कुछ ठीक है ना, BMW मिलेगी अगर हम फर्स्ट आए तो। जो भी है ए दबाते रहो, शॉर्ट कोर्स भाई हम शॉर्ट में खेलते हैं, हम नहीं खेलेंगे बड़े कोर्स में, इवेंट की डिटेल्स ठीक है, लोन ले लो क्या थोड़ा सा, चलो भाई प्रोसीड करो, पहली रेस हमारी स्टार्ट होती हुई इटली में खेलेंगे भाई, वो इटली मोदी जी का फेवरेट, क्या बोलते मोदी जी की फेवरेट कंट्री है इटली हमारे, समझ रहे हो ना, अप्रिलिया मुगेलो, ये नीचे हमें अभी फिर बकवास करेगा ये,
मुझे नहीं चाहिए बकवास इसकी स्टार्टर, मुझे नहीं चाहिए ये सब चीज़ें, ये सब मैं बिलीव नहीं करता। आई डोंट बिलीव इन सेटिंग अप थिंग्स एंड ट्यूनिंग माय बाइक। और हाय क्या फुद्दू बाइक है, अबे मैनुअल मोड कैसे सेट होता है? यही से थी वो सेटिंग यार। चलो गाइस बाइक को सेट करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं ऑटो, ये सब तो ठीक है। हमें रेस सेटिंग चेक करनी है, लेट्स स्टार्ट दिस चैलेंज। मुझे लगता नहीं है, ओह हो यामा की गद्दी कोई वाली बाइक है ये, तो हमारा प्यार है, इसके बाद गाना गाता है डिंग 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 डिंग। चलो भाई गियर की सेटिंग तो मैंने चेंज कर ली, मैंने गियर इसलिए मैनुअल पे डाले क्योंकि हमारे बस की नहीं था। ओए क्या झूल रही है भाई, बैलेंस नहीं बन रहा इस बाइक का। ऐसे गेम खेल रहे हैं उसमें खेलो कंट्रोलर से। एक तो मुझे समझ में आ रहा है इतनी धीरे क्यों चल रहे हैं ये। अच्छा हम बीएमडब्ल्यू चला चुके हैं ना, तो इसलिए ये बाइक धीरे लगे। और कोलिजन मत करो, टक्कर मत मारो, टक्कर मत मारो, ब्रेक मारने थे मुझे। चलो तो जरा ब्रेक भी ऐसे मारने पड़ रहे हैं, अगर हट जा तू, हट जा, हट जाओ, हट जा बे, गियर डालो गियर। अबे ये घास में था, ओरे सॉरी साले, हट जा, अब मैं आ रहा हूँ, रुक जा तू। ये तो मेरी बाइक इतनी लहरा रही है ना ये। अरे भाई, अरे भाई कौन से नंबर पे हूँ? लास्ट 20 नंबर मयंक शर्मा, बेइज्जती करवा रहा है इंडिया की, हिंदुस्तान के सारे। चला भगा, एक तो जीतना है और हार रहा है। बीएमडब्ल्यू तो कभी नहीं मिलेगी तुझे, मुझे लग रहा है तुझे बीएमडब्ल्यू का टायर भी नहीं मिलेगा। जिस तरह की खेल रहा है, मैं कह रहा हूँ बॉलिंग कर रहा है, जिस तरह की बाइक चला रहा है। वैसे ये गेम ना बहुत टफ गेम है, मतलब मैंने ट्रेजेक्टरी ऑन नहीं करी, ये अपने आप ही ना इसमें रेस में होता है सेटअप, उससे ऑन है ये। तो ये बता रहा है कि ब्रेक आपको कहाँ मारना है कहाँ नहीं मारना। बट यार ये बहुत टफ होते हैं पता है, ऐसे खेला भी जाता है यार ये गेम। ये कहाँ रोड है भाई, अभी 2 किलोमीटर चलाई है मेरी बाइक केवल। कोमल प्रीचा, कोमल आत, कोमल एट मैटियो गुलीची सबसे आगे रहता है भाई, ये बंदा कभी से नहीं आ सकते हो। आवाज सुन रहे हो भाई तुम, क्या गूंज रही है आवाज उन लोगों की। वो अच्छी बाइक को करे, मैं बेकार बाइक करूँ, मैं क्या करूँ, मेरी बाइक इतनी बेकार है, पैसा ही नहीं था इसके पास खरीदने के लिए। भाई कहते सारे एक साथ जा रहे लाइन से, ऐसा नहीं हो सकता जीटीए वाला चीट कोड लगाए और सबको एकदम बम से उड़ा देने और फिर उसके बाद हम भगाया के ले। वो पैर क्यों बाहर निकाल रहा है, टूट तोड़वाने का पैर, तुझे लड़की छोड़ गया तू, जो पैर निकाल के ब्रेक मारेगा। लड़कियां स्कूटी में मारती हैं ऐसे ब्रेक, समझ रहा है तू, बाइक रेस ट्रैक पे चला रहा है, रेस ट्रैक पे ऐसे ब्रेक मारेगा कहीं चलेगा। एक तो साइलेंसर भी ना ऑफ है, एक साइलेंसर ऊपर है थोड़ा सा, एक साइलेंसर नीचे है, देखो ध्यान से देखो एग्जॉस्ट इसका, इसके एग्जॉस्ट को नोट कर रहे हो, एग्जॉस्ट को नोट कर रहे हो कितनी मैंने
क्या डीप बात बोल दी मैंने। अरे यार दूसरा लैप आ गया, फाइनल लैप है भाई, भगा इससे तेज भगी तो नहीं रही है। भाई इस बार मैं इनको पीछे छोड़ पाऊंगा क्या? लगता तो नहीं है मुझे, बहुत आगे चल रहे हैं यार वो लोग। ब्रेक 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 ब्रेक, ब्रेक। कनाडा वाला है हमारे पीछे, नहीं कनाडा नहीं है, दूसरा हो गया, कनाडा के एलिस है। इसे कैसे करें कैसे करें इसे कैसे करें, इनको पार करना है, गोली 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 निकलना है। अरे पैर फिर निकाल लिया पैर भाई बंदे ने बाहर। एक तो छोटा ट्रैक है, और छोटे ट्रैक पे भी तो अगर लास्ट आएगा तो खैर चले, शर्मनाक बात है तेरे लिए भाई। भगा ले भगा ले, तेरे से तेज है। अबे यार सारे ही मेरे से तेज है, मैं क्या करूंगा था। और जा साले कम से कम 19 तो आया मैं, वो भी मेरे को पीछे होता है मुझे लग रहा है। हट जाओ सालो हट जाओ, भगाऊंगा मैं। ये 19th रैंक आई मेरी, यस। क्या बोल सकते हैं, पर ठीक है जो भी है ठीक है, कुछ नहीं कर सकते ना। नो चल भाई, क्या कौन सी रैंक है दिख भी नहीं रहा, तो मेरे तो पॉइंट भी नहीं होंगे कुछ, जीरो। ओ ये भाई, तो जो सबसे आगे राइडर चल रहा है उसकी बाइक भी तो देखो, तो चलो थोड़े पैसे तो मिले मुझे, कुछ तो क्रेडिट मिले मुझे। लेवल 1 पे हूँ यार मैं अभी। तो ऑलराइट गाइस, तो आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही था, ये बस हमारा एक बिगिनिंग थी राइड 5 के लिए। हमारी जैसे जैसे बाइक्स अपग्रेड होंगी तो हम लोग और आगे एडवांस बाइक्स को वैसे चलाएंगे। आई होप आपको मजा आया होगा इस वीडियो में, मुझे तो नहीं आया क्योंकि मैं हारा हूँ बहुत गंदा वाला, लेकिन ठीक है ऐसा भी कुछ करना चाहिए। देख रहे हो मयंक शर्मा कैसे नाम लिख के आ रहा है, तो ये सब भी पता ही है ना कुछ भी, कि कंट्रोल कैसे काम करें कैसे नहीं, बट करेंगे। राइड 4 के कंट्रोल थोड़ा डिफरेंट थे इससे, उसमें थोड़ा सा ना स्पीड स्पीड का थोड़ा कंट्रोल रहता था, इसमें तो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक कर दिया उन्होंने। वियर एंड टीयर फील होता है आपको, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा फील हो रही है, जैसे ही जैसे बाइक अगर वाइब्रेट हो रही है तो मुझे पूरी प्रॉपर फील हो रही है मेरे उसमें, तो वो सब चीज़ें हैं इसमें। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी करना वीडियो को अगर पसंद आई हो तो, और नहीं पसंद आई तो डिसलाइक तो कर ही सकते हो। आजकल तो हेटर्स मेरे अपने परिवार के साथ बैठ के डिसलाइक कर रहे हैं, वो अकेले नहीं कर रहे आजकल, तो फिर आप भी देख लेना, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, सपोर्ट मिलेगा आपके लाइक से मुझे। और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।